नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट कोलाहल, जहां हम बात करते हैं दिन भर की उन तमाम खबरों की जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। इनमें हम खासकर उन हैशटैग्स की बात करते हैं जिस पर लोग पुरजोर तरीके से अपना इंटरेस्ट जताते हैं। कोई किसी की टांग खींचता है तो कोई किसी को ब्लेम करता है, कोई किसी को ट्रोल करता है तो कोई खुद ही ट्रोल बन जाता है। चलिए फिर ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का शो। यूं तो ट्विटर पर आज एक से बढ़कर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, लेकिन हम खासकर उन हैशटैग्स की बात करेंगे जिस पर जनता कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही है। साथ ही कुछ ऐसी खबरों पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है इनमें खास। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री से मशहूर हुए एक कैरेक्टर को तो आप जानते ही होंगे, जीतू भैया। क्रेज है भाई साहब इनका। अब जीतू भैया हैं सबके फेवरेट, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस बार कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आ रही है नेटफ्लिक्स पर, तो बस नेटफ्लिक्स अब कर रही है जमकर प्रमोशन। आज इसी कड़ी में नेटफ्लिक्स ने ट्विटर पर एक सवाल डाला कि अगर आपको मौका मिले जीतू भैया से कोई सवाल पूछने का तो आप क्या पूछिएगा। इसे हैशटैग जीतू भैया ओपी करके पूछिए। एक तो ये प्रमोशन के चक्कर में कभी कभी इस तरह के हथकंडे बड़े बेधूके लगते हैं, खैर अब जमाना ही कुछ ऐसा है तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, तो लोग सवाल पूछना शुरू किए। कुछ लोग तो हद से ज़्यादा भरे हुए थे, बाकी कुछ लोग के सवाल बड़े मज़ेदार थे। जैसे एक यूज़र का सवाल था, जीतू भैया बिना पढ़ाई किए पैसे कैसे कमा सकते हैं? हद है यार, मतलब अगले का कैरेक्टर ही एक टीचर का है और आपको इस बात का जवाब चाहिए कि बिना पढ़ाई किए पैसे कैसे कमा लें, मतलब गजब हाल है। वहीं एक अन्य यूजर ने जो सवाल किया है उसका जवाब तो शायद सबको चाहिए। इन्होंने जीतू भैया को नेटफ्लिक्स का सीईओ समझते हुए बड़ा ही मासूम सा सवाल किया है। इनका सवाल है, जीतू भैया नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन इस महीने कैसे मिलेगा? आपको बता दें, इसी महीने कोटा फैक्ट्री रिलीज होने वाली है, शायद यही वजह है कि इन मोहतरमा को इस महीने का ही सब्सक्रिप्शन चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं खबर की तरफ। खबर दिल्ली की है। दिल्ली के पॉश इलाके में एक रेस्टोरेंट है जहां एक महिला को इसलिए एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि वो साड़ी पहनकर आई थी। महिला होटल के कर्मचारी से पूछती हैं कि क्या साड़ी की अनुमति नहीं है। कर्मचारी जवाब देती हैं, साड़ी को स्मार्ट कैजुअल के रूप में नहीं गिना जाता है, होटल केवल स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देता है। क्या बात है मोहतरमा, आपकी इस रूढ़िवादी मानसिकता पर घुमाकर चार चूड़ीदार लानते भेजता हूं मैं, मतलब हद है। और देखिए, इस बात को एक महिला ही कह रही है। खैर जो भी हो, अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर भड़के हुए हैं और स्मार्ट कैजुअल्स की परिभाषा पूछ रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी कड़ी में अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक पत्रकार ने ब्रिटानिया के बिस्किट बॉर्बन के साइज के बारे में सवाल पूछा। सवाल था, ये मेरी सिर्फ कल्पना या लालच हो सकती है, लेकिन क्या पहले बिस्किट और लंबे नहीं होते थे? इस पर ब्रिटानिया का जवाब आया कि कम से कम पिछले 6 साल में तो नहीं हुआ, और हमें उम्मीद है आप हमारी खपत पहले से ज़्यादा कर रहे होंगे। लेकिन माहौल तब बना जब TMC की महुआ मोइत्रा ने इस पर रिप्लाई किया, और उन्होंने पहले तो पत्रकार का समर्थन किया, फिर इस बात का मलाल जताया कि उनके बचपन का फेवरेट ऑरेंज फ्लेवर वाला ट्रीट बिस्किट नहीं मिल पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर लोगों को ब्रिटानिया से शिकायत है आजकल। आपको भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह से आज के इस कोलाहल में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा आज का सेगमेंट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए डेली बज इंडिया। धन्यवाद।